पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का गत दिनों निधन हो गया था। बुधवार को भाजपा ने स्वर्गीय अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शिमला के गेयटी थिएटर में किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उपस्थित रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य रूप से पधारे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के एक बेहद वरिष्ठ नेता थे और उन्होंने विद्यार्थी जीवन से लगातार संगठन में रहकर कार्य किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अरुण जेटली ने देश में जीएसटी और नोटबंदी को लागू किया और उनका अक्सर हिमाचल में आना जाना लगा रहता था। उन्होंने कहा कि उनका ऐसे अचानक चले जाना भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। अरुण जेटली जी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं में से एक थे और विद्यार्थी जीवन से ही लगातार उन्होंने संगठन में रह करके काम किया। राजनीति में सक्रिय होने के पश्चात उनने विभिन्न जिम्मेवारियों का निर्वहन किया और उसमें बतौर मंत्री केंद्र में विभिन्न विभागों के, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, चाहे डिफेंस मिनिस्टर रहे, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे राज्यसभा में, तमाम दायित्व उनने बहुत बखूबी के साथ निभाए और ख़ास तौर से नए आइडियाज़, नए इनिशिएटिव, नया विज़न, इन सारी चीज़ों में उनके एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। नोटबंदी, जीएसटी, ये तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अरुण जेटली जी के साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त थे। उनका निधन होना हमारी पार्टी के लिए बहुत क्षति है। मैं समझता हूँ पार्टी के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है और आज हम श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से बहुत सारी यादें उनकी जुड़ी हुई, शिमला आना, बतौर वकील आना, बतौर पार्टी के नेता के रूप में आना, हमेशा पार्टी के लोगों के लिए, जो हम लोगों के लिए मार्गदर्शन देते रहे, ऐसी विभूति जिनके कारण पार्टी को बहुत मजबूती मिली है पूरे देश भर में, उनकी कमी महसूस की जाती रहेगी। इस अवसर पर सरकार के सभी मंत्रियों, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया और अरुण जेटली को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। अरुण जेटली जैसा व्यक्तित्व सदियों के बाद पैदा होता है। ऐसा व्यक्ति जब जाता है तो किसी विशेष राजनीतिक दल का नुकसान नहीं होता, अपितु पूरे देश का नुकसान होता है। मैंने उन्हें नजदीक से देखने का प्रयास किया। जब हमने हाई कोर्ट में नई नई वकालत शुरू की, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से कोई भी जब अधिवक्ता आता था तो हमारी कोशिश रहती थी कि हम कोर्ट में जाएं, उनकी बहस को सुनें। और अरुण जेटली जी का तो बहुत आना जाना रहता था हिमाचल उच्च न्यायालय में। जब भी वो आते थे तो हम कोर्ट रूम में बैठ के उनकी बहस सुनकर सीखने का प्रयास करते थे और देश के उच्च पद पे पहुंचे। उनके आज मैं कांग्रेस परिवार की तरफ से दिवंगत आत्मा के प्रति परम परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें शांति दें और उनके परिवार को ये असीम जो दुख है उसे सहने की क्षमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।